हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। फंगल इन्फेक्शन मेल हो या फीमेल किसी को भी हो सकता है, और उसमें जो मेल है उनमें अगर फंगल इन्फेक्शन की प्राइवेट पार्ट पर हो जाता है तो उसमें जो टॉप एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा खुजली, इचिंग और उसके साथ साथ हल्की सी सूजन के साथ में रेडनेस, और वो स्किन सूजने की वजह से वो फिर पीछे स्किन ठीक से नहीं जाती और उससे फिर पेनफुल कंडीशन हो जाती है। तो ऐसे में आपको एक एंटी फंगल क्रीम का इस्तेमाल करना है जो कि एक प्लेन फॉर्म में लेना है, उसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, और वो है क्लोट्रामाजोल। ये कैंडिड नाम से भी आती है, बट ध्यान रखिए कि इसमें कोई कॉम्बिनेशन दूसरा नहीं होना चाहिए, ये सिंगल ही होना चाहिए। इसको आप चाहे मेल हो या फीमेल अपने फंगल इन्फेक्शन के एरिया पर लगा सकते हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मोस्टली ये फंगल इन्फेक्शन के कारण होते हैं कि नमी का रहना या फिर वहां पर मॉइस्चर रहना। तो मेल्स के लिए सलाह यह है कि जब वो यूरिन के लिए जाते हैं तो उसमें यूरिन के बाद उसको पानी से जरूर वॉश करें, साथ ही साथ एक छोटा सा हैंकी भी रखें और उससे उसको वाइप कर लें, पोंछ लें, सोक कर लें, जिससे कि वहां पर नमी बिल्कुल ना रहे, और ड्राई करने के बाद ही उस स्किन को छोड़ें। इस प्रॉब्लम में जितना रोल क्रीम का है उसके साथ साथ आपकी हाइजीन का भी उतना ही बड़ा रोल है। तो इसमें अगर यूरिन करते हैं तो यूरिन के बाद पानी का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, स्किन को पीछे करके उसको अच्छे से वॉश जरूर करना चाहिए, जिससे कि यूरिन की ड्रॉप्स वहां पर ना रुकें। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा कपड़ा भी अपने साथ में रखें जिससे कि वो स्किन ड्राई हो जाए। इसके साथ साथ इसकी दो बार सफाई भी करना जरूरी है सोप के साथ में, जिसमें चाहे आप डेटॉल यूज कर सकते हैं, सावलॉन यूज कर सकते हैं या फिर टेक्नोसोल, इनमें से कोई सा भी सोप जो आपके पास हो उससे सफाई करके ही आप इसको सुखा कर ड्राई करने के बाद ही क्रीम को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी एंटीफंगल क्रीम होती है, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि आपका अपनी प्रॉब्लम को दिखाने के बाद ही एक प्रॉपर सही जजमेंट होता है कि अब इस प्रॉब्लम में क्या दिया जाए। बट इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।